Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mehra and you are watching ONS Study Circle. Friends, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में. अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स की जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो क्यों पूछता है इंटरव्यूअर. फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि जो इंटरव्यूअर है उसको पता होता है कि कैंडिडेट जो है इंटरव्यू में तैयारी करके आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की तैयारी करके आते हैं कैंडिडेट. जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड आई हायर यू, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन जो है कैंडिडेट प्रिपेयर करके जाता है इंटरव्यू में. तो जो इंटरव्यूअर होता है वो कैंडिडेट को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें आपको लगेगा कि इंटरव्यूअर चाहता है कि आपने एक तरीके का जवाब देना है लेकिन वो आपको ट्रिक कर रहा होता है. तो कैसे इसको पहचानना है और कैसे इन क्वेश्चन का आंसर देना है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में. तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ. फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले डेफिनेटली हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ONS Study Circle को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको अपडेट्स मिल जाए. आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन लिस्ट में ये हो सकता है जो होता है डाटा बेस क्वेश्चन. किस तरीके से देख लेते हैं, मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आप इंटरव्यू देने गए एक और इंश्योरेंस कंपनी में. अब जो इंटरव्यूअर है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ये पूछेगा कि आप मुझे कुछ डाटा ला के दे सकते हैं प्रीवियस कंपनी का, कुछ मोबाइल नंबर्स ला के दे सकते हैं कस्टमर्स के, ताकि उनको वो कन्वर्ट कर सके क्लाइंट्स में. मतलब आप उनको कोई डाटा ला के दे सकते हैं, फ़ोन नंबर्स ला के दे सकते हैं, कुछ इस तरीके का डाटा या जो प्रीवियस कंपनी है उसके कुछ रिकॉर्ड्स ला के दे सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू पूछता है. अब आपको क्या बोलना चाहिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक आपकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि आप लॉयल कितने हैं. क्यों, सीधा इम्पैक्ट इसका ये आता है कि अगर आप अभी उस कंपनी का डाटा ला के दे रहे हैं तो कल को आप इस कंपनी का भी जिसमें आप इंटरव्यू देने आए हैं उसका डाटा भी लेके ज़रूर जा सकते हैं. तो आपको इसमें सीधा मना करना है. इसमें अगर आप सीधा मना करते हैं तो बेस्ट आपका इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर आप बोलेंगे मैं सोचता हूँ, मुझे टाइम चाहिए, एक दो दिन में बताता हूँ, तो ये सारी चीज़ें बैड इम्पैक्ट डालती हैं. आपको सीधा बोलना है फ्रेंड्स कि मैं डाटा नहीं लेके आ सकता क्योंकि ये कंपनी के नॉर्म्स के खिलाफ है और ये मेरी लॉयल्टी के भी खिलाफ है. मैं ऐसा नहीं करता, मैं इस तरीके से नहीं करता, मैं एक प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन रखता हूँ कंपनी में, तो मैं इस तरीके से डाटा नहीं लेके आ सकता किसी कंपनी का, प्रीवियस कंपनी का. अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपकी तरफ. अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं आजकल कि अगर आप अपने प्रोसेस के मैनेजर बन जाएं, जिस प्रोसेस में मान लीजिए आप अभी एग्जीक्यूटिव हैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं, तो वो जो इंटरव्यूअर है वो ये पूछ लेते हैं कि अगर आप उस प्रोसेस के मैनेजर बन जाएं तो आप जो प्रीवियस मैनेजर है, जो इस टाइम मैनेजर है, उसमें क्या क्या चेंज करना चाहेंगे, किस तरीके से आप रन करेंगे टीम को, कुछ चेंज करना चाहेंगे क्या. तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाती है कैंडिडेट को कि क्या बोले. कैंडिडेट सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट्स तो गिनाने ही पड़ेंगे कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दूंगा, मैं ज़्यादा लीव्स ले रहे हैं एम्प्लॉय, मैं उनको स्ट्रिक्ट कर दूंगा लीव, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना होता. आपको फ्रेंड्स सीधा से ये बोलना है कि अभी आपने एग्जीक्यूटिव के तरीके से देखा है टीम को, मैनेजर के नज़रिए से टीम को नहीं देखा, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी. ज़रूर एक एग्जांपल ज़रूर दें यहाँ पे आप किस तरीके से दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए फ्रेंड, आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई फ्रेंड है, जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजर अच्छे नहीं हैं. क्यों, आपने ये बताना है कि आपके फ्रेंड ने कहा, ये नहीं बोलना कि आप कह रहे हैं, आपके फ्रेंड ने कहा कि आपके मैनेजर अच्छे नहीं हैं, वो दूसरी टीम की भी हेल्प करते हैं, उनके पास वर्कलोड ज़्यादा आता है, उनका काम होता है, वो भी हमसे करवा लेते हैं. लेकिन एक दिन क्या हुआ, आपकी टीम के पास काफ़ी वर्क प्रेशर आ गया, क्लाइंट ने ज़्यादा काम दे दिया, तो फिर आपने देखा कि उस टीम के जो मैनेजर है उन्होंने हेल्प करी आपकी टीम के मैनेजर की और इस तरीके से वर्क पूरा फिनिश हो गया, नहीं तो वह एक दिन में काम नहीं हो पाता. तो आपको समझ आई बात ये कि किस लिए ये जो टीम वर्क होता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कंपनीज में. तो आपने सीखा कि वाकई एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो आपके मैनेजर हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उनको पता है किस तरीके से एक कंपनी में काम किया जाता है. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको बोलना है कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत है अभी आपको, तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या क्या चीज़ आप चेंज करेंगे, अभी आप लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो मैनेजर की नज़र से एक टीम को नहीं देख सकता. ये एक परफेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का. अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है कि इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है व्हाट मेक्स यू सो स्पेशल, कि वो आपको सिलेक्ट क्यों करें और जो बाहर कैंडिडेट्स बैठे हैं उनको सिलेक्ट क्यों ना करें, या आपको सिलेक्ट क्यों करें. तो आपको एक पॉइंट बोलना है यहाँ पे जो है सेल्फ लर्निंग. अब हम देखेंगे सेल्फ लर्निंग के काफ़ी सारे सोर्सेज हमारे पास होते हैं, यूट्यूब भी है, काफ़ी सारे सोर्सेज है.
तो बोले कि आपको जो स्पेशल बनाती है वो चीज़ है सेल्फ लर्निंग, कि आप बिसाइड्स द ऑफिस वर्क अपनी सेल्फ लर्निंग करते जाते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, तो यही चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाती है। तो ये एक अच्छा आंसर लगता है सुनने में। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है, हाउ डू यू हैंडल वर्क लोड, कि वर्क लोड को आप किस तरीके से कंपनी में हैंडल करते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर ये होता है कि आप बोले आप कंसिस्टेंट काम करते हैं। काफ़ी कैंडिडेट क्या होते हैं, वो काम को छोड़ देते हैं कि आज नहीं मैं कल कर लूँगा, कल नहीं मैं परसों कर लूँगा, इस तरीके से वर्क प्रेशर वर्क लोड बिल्डअप होता जाता है। तो आप बोलें कि आप कंसिस्टेंट काम करते हैं, डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं आपके पास डेली बेसिस पे वो करते हैं, तो वर्क प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड नहीं होता। ये सबसे एक अच्छा तरीका भी होता है कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रेशर को बिल्डअप ना होने देने का। तो ये एक बेस्ट आंसर होता है इस केस में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है कि अगर क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, वट यू विल डू वेन ए क्लाइंट इज कंप्लेनिंग। मतलब एक क्लाइंट जो है वो किसी ऑपरेशन से खुश नहीं है कंपनी के, वो कंप्लेन कर रहा है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। सबसे बढ़िया आंसर ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आप पहले बताएंगे कि जो एरर है वो क्या है, और आप डेफिनेटली ये बताएंगे कि कंपनी के नॉर्म्स क्या कहते हैं उस एरर के बारे में, और उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट ये बोल देते हैं कि मैं जो है क्लाइंट को फ्रेंड बनाना चाहूँगा, एक फ्रेंडली बिहेवियर रखूँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आप किसी भी प्रोफेशनल कंपनी से बात करते हैं तो जो उनके ट्रेंड कस्टमर के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं। तो आपको बताना है, आप बताएंगे कि कंपनी के नॉर्म्स में इसका क्या सोल्यूशन है, और वही सोल्यूशन आप उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल भी प्रोफेशनल बिहेवियर से हटेंगे नहीं। तो एक बेस्ट आंसर होता है। काफ़ी कैंडिडेट्स बोल देते हैं मैं उनको फ्रेंड बनाऊंगा, मैं उनसे पर्सनल चैटिंग कर लूँगा, मैं उनसे क्या कर लूँगा ईमेल पर बात कर लूँगा, तो ऐसी बातें आपको नहीं करनी है। ये इससे क्लाइंट भी अट्रैक्ट नहीं होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी के नॉर्म्स में लिखा होता है कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो रिप्लाई है वही देना है, और उसी के अकॉर्डिंग हेल्प करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने मैनेजर को सबको सीसी में भी रखना है। एक पर्सनल टॉक नहीं करनी क्लाइंट के साथ। काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं मैं पर्सनल लेवल पे इसका सोल्यूशन निकालूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना। आप बोलें कि एज पर द कंपनी नॉर्म्स आप काम करेंगे और वही सोल्यूशंस क्लाइंट को देंगे। तो एक अच्छा आंसर लगता है, पता चलता है कि आप पर्सनल बातें नहीं करेंगे क्लाइंट के साथ, इस तरीके का अनप्रोफेशनल बिहेवियर आप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।